दिल्ली में आज चुनावी प्रचार होने वाला है और इस चुनावी प्रचार में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की आपको बता दें कि दो चुनावी जनसभाएं हैं आज, जहां पर इन दो चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर वोट देने की अपील की जाएगी। तो शाम 5 बजे अरविंद नगर में पहली सीएम की जनसभा होगी, तो उसके बाद शाम 7 बजे यमुना विहार में चुनावी जनसभा को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत संबोधित करेंगे। तो एक बार पहले भी दिल्ली में कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, और एक बार फिर से हुंकार के साथ दिल्ली में आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सामने आएंगे, जहां दो चुनावी जनसभाएं हैं इनकी और इन चुनावी सभाओं में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाएगा। अमित दुबे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अमित, एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, हर एक दिग्गज चेहरा दिल्ली में है, चुनाव प्रचार कर रहा है और ऐसे में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की दो जनसभाएं। देखिए, तीन जनसभाएं थी आज, जो कि जिसमें एक कैंसिल हो गई उनके बिजी प्रोग्राम के चलते, 3 बजे की जनसभा जंगपुरा की कैंसिल हो गई। अब दो है, 5 बजे और 7 बजे दोनों जनसभाएं होनी है। और जाहिर तौर पे जिस तरह से लगभग 30 सीटें दिल्ली में है, जो कि जहां पे उत्तराखंड के लोग जो है बसे हुए, यानी उत्तराखंड बाहुल्य क्षेत्र माना जा सकता है, जहां उनका प्रभाव हो सकता है, और इसी क्रम में उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जिस तरह लगातार प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं पार्टी का, और 300 सीटों पे उत्तराखंड के मतदाता प्रभावी भूमिका में है, और इसीलिए उत्तराखंड की न सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बल्कि कैबिनेट के कई मंत्री भी लगाए गए हैं, जो कि लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जी अमित, कहां कहां पर इनकी सभाएं हैं, क्योंकि फोकस इस तरह से यहां पर बीजेपी का किया गया है, रणनीति इस तरह की बनाई गई है कि जहां पर उत्तराखंड के लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर उत्तराखंड के दिग्गज चेहरों को वहां पर लाया जाए, तो उसी जगहों को चिन्हित किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए 5 बजे जो है वो अरविंद नगर में जनसभा होनी है, जबकि 7 बजे यमुना पार का इलाका है जहां पे उनकी जनसभा होनी है, और ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहां पे उत्तराखंड प्रवासियों की भूमिका बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि उत्तराखंड के नेताओं को उन जिन 30 सीटों की मैं बात कर रहा था उन पे फोकस करने के लिए कहा गया। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनकी भी आज दो जनसभाएं यहाँ पे होनी है। पटपड़गंज जो कि लगभग में मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी विधानसभा के करीब में है मयूर विहार में, उनकी ये जनसभा होनी है, और योगी आदित्यनाथ की भी आज दो जनसभाएं हैं। तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ जिस तरह जनसभा करते हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार 4-4 जनसभाएं वो डेली कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी लगातार दिन में 4-5 जनसभाएं कर रहे हैं, पिछले दिनों उनकी 6 जनसभाएं एक ही दिन में हुई थी, और आज क्योंकि बिजी शेड्यूल के चलते उनकी 2 जनसभाओं को रखा गया और दोनों जनसभाओं को शाम को वो संबोधित करेंगे। और कई अन्य लोग हैं आज, क्योंकि खासतौर पर दिल्ली में कहा जा सकता है कि रैलियों का रैला है, क्योंकि खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हर कोई आज मैदान में यहाँ पे दिल्ली के चुनावी दंगल में दिखेगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज एक आखिरी मौके के तौर पर हर एक पार्टी कहीं ना कहीं ले रही है कि तमाम दिग्गज चेहरों को यहाँ पर उतारा जाए और पूरी जो जोर आजमाइश यहाँ पर दिल्ली के विधानसभा चुनावों के लिए वो यहाँ पर लगा दी जाए। लेकिन जैसा कि अमित हम पहले भी यहाँ पर बात कर रहे थे कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के इन चुनावी सभाओं का असर पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी खुद यहाँ पर शिकायत कर चुकी है कि इस तरह के बयान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता यहाँ पर भ्रम में पड़ सकती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ इस दौरान बात ये करें कि उत्तराखंड के सीएम, उनका क्या फर्क यहाँ पर पड़ने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी चीज की बीजेपी के लिए दिल्ली में करो या मरो की स्थिति है। जिस तरह से जो रिसेंटली शुरुआती राजनीतिक सर्वे आए थे, उनमें जिस तरह से कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है बीजेपी के लिए चिंता का विषय थी, और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी शासित जो भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन सभी को यहाँ पे दिल्ली में बुलाया गया है। हर कोई प्रचार प्रसार कर रहा है, और खुद यूपी सीएम जिनकी मैं बात कर रहा था कि डेली 4 रैलियां हो रही हैं, आज वो लखनऊ से आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आके 2 रैलियां करेंगे और 2 रैलियों के बाद फिर लखनऊ वापस जाना है। तो जाहिर तौर पे आखिरी चरण है अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, कल उनकी कोई रैली नहीं होनी है, लेकिन उत्तराखंड सीएम जो है वो 5 तारीख तक जो है वो दिल्ली के मैदान में जमे हुए हैं। आज भी उनकी 2 रैली है और कल भी 3-4 रैलियों का कार्यक्रम
प्रस्तावित है। अब से कुछ देर में प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा तो कल भी वो चुनाव प्रचार में लगेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए।